आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी मिठाई की रेसिपी लेके आई हूँ। ये मिठाई बहुत ही आसानी से हम 15 मिनट में बना के तैयार कर लेंगे। ये बंगाल की बहुत ही फेमस रेसिपी है, लेकिन मैं इसे बहुत ही इजी तरीके में आपको सिखाऊंगी। तो ये देखिए, ये 400 ग्राम मैंने पनीर ली है और ये फ्रेश पनीर होनी चाहिए। तो इसे ये देखिए रफली हम काट लेंगे ऐसे ही बड़े टुकड़ों में, और आप चाहें तो ये पनीर की जगह फ्रेश छेने का भी यूज़ कर सकते हैं। 2 लीटर दूध का आप छेना बना लें, उससे उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सुपर इजी तरीका बताने जा रही हूँ। तो ये देखिए, इसको कट करने के बाद मैंने मैश कर लिया है और फिर ग्राइंडिंग जार में ऐड कर दिया है, तो हमें बहुत मसलना नहीं पड़ेगा इसे। तो इसीलिए मैं ग्राइंडिंग जार में 1 से 2 मिनट के लिए इसको अच्छा पल्स दे दूंगी। इससे क्या होगा कि ये देखिए ग्राइंड कर लिया है, तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है, तो हमें बहुत देर तक हाथ से मैश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए, अब इसे हम आधा आधा कर लेंगे, हाफ हाफ कर लेंगे। ये देखिए, ये आधा भाग, ये जो मैंने पनीर ग्राइंड किया है ना, ये इसको हम एकदम लास्ट में रेसिपी में यूज़ करेंगे। ये देखिए, इसको एकदम लास्ट में अब हम रेसिपी में यूज़ करेंगे, ये आधा पोर्शन। तो इसे अब हम रख देंगे साइड में, और ये जो पोर्शन यहाँ मैंने लिया है आधा पोर्शन, इसमें अब हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून शुगर। चीनी यहाँ पे मैंने ऐड की है, और इसे ये देखिए हाथ की सहायता से हम बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जब तक कि चीनी इसमें अच्छे से मिक्स ना हो जाए। 3 से 4 मिनट लगेंगे, और ये देखिए हाथ के, ये देखिए इस पोर्शन से आपको बहुत ही अच्छे से रगड़ते हुए से मसलते हुए अच्छे से चीनी को इसमें मिला लेना है कि ये इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए चीनी। ये देखिए अच्छे से मसल लें इसे, लगभग 4 मिनट लगते हैं उसमें। ये अच्छे से, ये देखिए चीनी इसमें एकदम अच्छे से मिल जाती है। तो अब मैंने गैस पे एक कढ़ाई चढ़ा दी है, ये नॉनस्टिक कढ़ाई है, उसमें ये जो पनीर और चीनी वाला मिश्रण है ये हम लेके इसमें ऐड कर देंगे, और फ्लेम एकदम लो रहेगी पूरी प्रोसेस में। ये देखिए शुरुआत में ये मिक्सचर थोड़ा सा ढीला होगा, लूज़ होगा, क्योंकि चीनी जब मेल्ट होगी ना, तो ये देखिए ये थोड़ा ढीला होगा, और फिर थोड़ी ही देर में ये अपने आप थोड़ा ड्राई होने लगेगा, 2 से 3 मिनट में। ये देखिए शुरुआत में थोड़ा लूज़ हो रहा है, लेकिन थोड़ी ही देर में ये अपने आप थोड़ा ड्राई होने लगेगा। इसको पकने में बहुत ही कम समय लगता है, ये देखिए 3 मिनट हुए हैं और कैसे ये ऐसी होने लगी। आपको इसे बहुत ज़्यादा एकदम नहीं पकाना है, लो फ्लेम पे ही पकाना है, इसका आपको ध्यान देना है। ये देखिए 3 मिनट में ये ऐसी हो गई है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप कंडेंस्ड मिल्क। कंडेंस्ड मिल्क में ऑलरेडी शुगर होता है, तो एक्स्ट्रा आपको और चीनी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे केवल मैंने 1/4 कप कंडेंस्ड मिल्क का यूज़ किया है। ये देखिए, अब इसको ऐड करने के बाद बस 2 से 3 मिनट हम और पकाएंगे। ये देखिए तुरंत ही ये एक जगह इकट्ठा होके कलेक्ट होने लगेगा, ये देखिए मिश्रण, ज़्यादा टाइम एकदम नहीं लगेगा, 3 मिनट में आप देखेंगे कि ये एक जगह मिक्सचर इकट्ठा हो जाएगा। फ्लेम जैसा कि मैंने कहा एकदम लो ही रहेगी। ये देखिए 3 मिनट में ये एकदम एक जगह कैसे कलेक्ट हो गया है। अब हमें देर नहीं करनी इसको, एकदम आपको ज़्यादा ड्राई एकदम नहीं करना है, बस इस कंसिस्टेंसी का आ जाए तो तुरंत हम इसे शिफ्ट कर लेंगे उसी थाली में। ये देखिए इसे मैंने शिफ्ट कर लिया है, और अब ये जो मैंने पनीर स्टार्टिंग में निकाली थी ना, ये देखिए हाफ जो मैंने कहा था लास्ट में यूज़ करेंगे जो ग्राइंड की हुई पनीर, वो हम इसमें लेके ऐड कर देंगे। इसीलिए इस रेसिपी का नाम कचगोल है, इसे पारनहारा भी कहते हैं। और फिर 1/4 टीस्पून हम इसमें इलायची पाउडर ऐड कर देंगे। तो अभी ये मिश्रण थोड़ा गर्म है, तो इस पैचला की सहायता से हम इसे मिक्स कर लेंगे। ये देखिए ये दोनों, ये जो कच्ची पनीर है और ये जो मैंने कंडेंस मिल्क के साथ पकाई थी, तो ये इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे स्पैचुला की सहायता से। फिर ये देखिए तुरंत ही अब हम हाथ की सहायता से फिर इसे अच्छे से मसल लेंगे। 3 से 4 मिनट तक आप फिर इसे अच्छे से मसलें। ये देखिए हाथों की सहायता से इसे खूब अच्छे से मसलें, तो बहुत ही अच्छा इसका टेक्स्चर आएगा, एकदम जैसी मार्केट में मिलती है ना, बिल्कुल वैसा ही आपको टेक्सचर मिलेगा। ये देखिए ऐसे ही रगड़ते हुए 3 से 4 मिनट तक हम अच्छे से इसे
मसल लेंगे। तो ये देखिए एक डो जैसा बन के तैयार हो गया है, देखिए बहुत ही अच्छा डो बन गया है, एक जगह एकदम अच्छे से कलेक्ट हो गया है। तो अब हम इसके लड्डू बनाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए इसका मैं पोर्शन ले रही हूँ, तो अंदर से इसका टेक्सचर देखिए कितना अच्छा आया है, यानी कि हमने इसे अच्छे से मसला है हाथ से। तो इसको अब हम गोल शेप देंगे, ये देखिए। और यहाँ पे मैंने मिल्क पाउडर लिया है, तो उसमें इसको थोड़ा सा डस्ट कर लेंगे, ये देखिए ऐसे ही। और फिर ये देखिए ये हमारे बहुत ही टेस्टी कचगोल बन के तैयार है। इसे कच्चा गुल्ला कहते हैं, पारनहारा कहते हैं, ये बंगाल की बहुत ही फेमस रेसिपी है। लेकिन घर पे आप इसे पनीर से बहुत ही इजीली बना के तैयार कर सकते हैं। मैंने आपको बहुत ही इजी तरीके से 15 मिनट में ये मिठाई बन के तैयार हो जाएगी।